पाथफाइंडर का प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टेंट मोशन पे है, लेकिन कुछ कंसेप्ट मैं इसमें डिस्कस करूँगा। इसमें जो हमें दिया हुआ है, दो वेलोसिटी हैं v1 v2 दो एंड्स पे, और हमें इस मास की वेलोसिटी निकालनी है। पहले तो ये एज्यूम मत कर लेना सीधा कि ये वर्टिकली ही चल रहा है, वो अलग बात है, वो एज्यूम करके भी आंसर सही आ सकता है इस केस में, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार आएगा। तो ये वर्टिकल वाला आपको नहीं पता कि इसका डायरेक्शन क्या होगा मोशन का, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे आसान मेथड है वह है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। ये मैंने पहले भी कवर किया था जनरली, लेकिन लोग प्रोजेक्टेड वेलोसिटी से नहीं करते हैं, मगर ये इसमें बहुत कम कैलकुलेशन है, लेस कैलकुलेशन। सो इसमें इसको करने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। सपोज कोई एक रिंग है, ये रिंग का एक सेगमेंट है, उस पे एक मास ऐसे है कि मास में होल है, तो सपोज ये सिलिंड्रिकल मास है, इसके अलावा ये चल सकता है, ऐसे इस पे चल सकता है, ये रिंग है जो कि फ्रिक्शनलेस है। मैं इसको किसी स्ट्रिंग से पुल कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे ये स्ट्रिंग जा रहा है, और ये एंगल स्ट्रिंग का इस रिंग से इस मोमेंट पे सपोज फाई बन रहा है, और मैं स्ट्रिंग को वेलोसिटी वी से पुल कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये, क्योंकि ये तो ठीक है, स्ट्रिंग का सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है, ये जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है उस पे लेके गलती कर देते हैं, ये जो है वी कॉस फाई लिख देंगे, इसकी वेलोसिटी ऑफ मास इज इक्वल टू वी कॉस फाई लिख देंगे, जो कि गलत है। एक्चुअली होता क्या है, आपको ध्यान से देखना है, मैं फिर से वो डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये मास यहाँ पे था, इस मास की वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये स्ट्रिंग के पॉइंट्स जो हैं टेंशन टी दे रहे हैं और किसी वेलोसिटी वी से स्पेस में चल रहे हैं इस मोमेंट पे, और इस मोमेंट पे ये एंगल फाई है। हमारा जो मास है ये कॉन्स्ट्रेंड है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, और वो डायरेक्शन ये है वेलोसिटी ऑफ मास। अब ये कांटेक्ट बने रहने के लिए जो वेलोसिटी ऑफ मास है, एक्चुअल वेलोसिटी तो ये है इसकी, कॉन्स्ट्रेंड वर्ल्ड वेलोसिटी जो है, इसके आप दो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं, एक अलॉन्ग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर द स्ट्रिंग होगा बी एम साइन फाई, और अलॉन्ग द स्ट्रिंग बी एम कॉस फाई। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो है, अगर आप देखें स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे कांटेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग वी एम कॉस फाई से मूव कर रहा है, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग वही वेलोसिटी होना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टैक्ट टूट नहीं रहा है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग वही वेलोसिटी होगा जो वी एम कॉस फाई है और जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी है। सो वी इज इक्वल टू वी एम कॉस फाई होगा, ना कि वी एम इज इक्वल टू वी कॉस फाई। सो ये करेक्ट अप्रोच है, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मेथड। अब मैं इसको जो है, इस वाली प्रॉब्लम को मैं प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मेथड से कैसे करूँगा, यहाँ पे अब पहली वाली सिचुएशन में फिर से जाते हैं। यहाँ पे एडवांटेज ये था कि कॉन्स्ट्रेंट हमें पता था, कॉन्स्ट्रेंट कई टाइप से हो सकते हैं, किसी किसी पाइप पे मूव कर सकता है, किसी फ्लोर पे मूव कर सकता है, वो भी कॉन्स्ट्रेंट होगा, सपोज ऐसे होता वो भी कॉन्स्ट्रेंट होता है, ये कॉन्स्ट्रेंट मोशन है, तो इसमें आप ये वाली प्रोजेक्टेड वेलोसिटी करते हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग पे प्रोजेक्ट करते हैं, हमेशा वेलोसिटी को स्ट्रिंग पे प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट ऑन स्ट्रिंग, पॉस याद कर लीजिए, POS, प्रोजेक्ट ऑन स्ट्रिंग। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे कोई फिक्स्ड वो ना हो के सपोज दो जगह से टेंशन आ रही है स्ट्रिंग में, ऐसे तो ये मिला कैसे कॉन्स्टेंट मोशन देते हैं जैसे यहाँ पे है। अब सपोज कीजिए ये वाला अगर फिक्स होता, सपोज ये पॉइंट यहाँ फिक्स है और मैं एक साइड से मूव करता, तब ये कैसे मूव करता, ये स्ट्रिंग का लेंथ तो कॉन्स्टेंट रहता, तो ये रोटेट करता। मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ सो देट वहाँ हौच पौच ना हो जाए। ये ऐसे है, ये मास यहाँ पे था और दूसरा स्ट्रिंग ऐसे, ये वेलोसिटी v2 से मैं पुल कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं पुल ना करता, वेलोसिटी जीरो है, फिक्स है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है,
और स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, तो ये जैसे भी मैं पुल करूँगा इसका पॉसिबिलिटी यही है सिर्फ, इस आर्क में मूव करेगा ये, तो ये इसका कॉन्स्ट्रेंट मोशन हो गया, तो इस आर्क में मूव करेगा। सपोज मैं ये फिक्स कर लेता और ये वाला मूव करता, तो ये इस आर्क में मूव करता। आर्क का रेडियस क्या है डिपेंड करेगा कि स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है, ये L1 है ये L2 है। तो अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो समवेयर इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कहीं आना चाहिए, इसका वेलोसिटी का कॉन्स्ट्रेंट जो हो रही है, जो आर्क होनी थी वो चेंज होके कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन बनेगा। सो सपोज ये मोशन मुझे नहीं पता कैसे है, लेकिन मैं कोई एक ले लेता हूँ, ये ऐसे है इसकी वेलोसिटी वी मास की, उन कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से जो मैंने बताया, जो कि स्ट्रिंग लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये एंगल मैं ले लेता हूँ अल्फा, तो ये होगा थीटा माइनस अल्फा। अब इसको जो है इस वेलोसिटी को मैं इस स्ट्रिंग पे भी प्रोजेक्ट करूँगा और इस स्ट्रिंग पे भी प्रोजेक्ट करूँगा। POS याद रखिए, प्रोजेक्ट ऑन स्ट्रिंग, नॉट कि स्ट्रिंग की आप मास पे प्रोजेक्ट कर दें। तो ये VM है, तो ये हो गया VM cos अल्फा, और ये हुआ VM cos थीटा माइनस अल्फा। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो है, स्ट्रिंग के पॉइंट ये V2 से चल रहा है और ये इस डायरेक्शन में V1 से चलना चाहिए, भले पॉइंट या कॉमन है लेकिन इस डायरेक्शन में V1 से चलना चाहिए और इस डायरेक्शन में V2 से चलना चाहिए, और ये स्ट्रिंग इससे छूटना नहीं चाहिए। तो मास की जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग है वो दोनों स्ट्रिंग पे आपको इक्वेट करनी है। सो वी मास कॉस अल्फा इज इक्वल टू V2 एंड वी मास कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू V1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू है V2 अपॉन VM, और साइन अल्फा की वैल्यू आएगी VM स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन VM। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये हो गया VM कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस VM साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू V1। तो ये हुआ कॉस थीटा, VM कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, V2 है, तो ये V2 कॉस थीटा प्लस VM साइन अल्फा की वैल्यू, VM साइन अल्फा की वैल्यू है VM स्क्वायर M स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और ये हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू V1। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, इसको मैं कर लेता हूँ, ये हो जाएगा VM स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस V1 V2 कॉस थीटा। तो ये मैंने फिर से रीअरेंज किया, तो VM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस ये इधर जाके 1 बन जाएगा V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 कॉस थीटा। सो VM इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2। अब इसमें आप सारे स्पेशल केसेस करके देख लीजिए, ये आपकी जनरल इक्वेशन है, इसको याद भी कर लें क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आता है।